गुप्ता अंकल को ना कैंसर हो गया। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, फिर भी कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो पी लेते। दोस्तों बड़ी अजीब सी बात है ना, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कभी कोई बुरी आदत नहीं होती, लेकिन फिर भी अचानक से पता लगता है कि उन्हें कैंसर या हार्ट अटैक या ऐसी ही कोई बड़ी क्रॉनिक डिजीज हो गई है, और हमें समझ नहीं आता आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वेल दोस्तों, स्ट्रीट स्मार्ट की टीम ढूंढ कर लाई है आपके लिए इसी चीज का जवाब, और साथ ही ऐसे चौंकाने वाले रेवलेशन जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होंगे। तो चालू रखिए अपना क्यूरियोसिटी मीटर और बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए आखिर कोई भी इंसान किसी बड़ी क्रॉनिक डिजीज का शिकार किस कारण से बनता है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा ऑफ कोर्स बुरी आदतें होने की वजह से, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स। लेकिन इन सब के अलावा भी एक ऐसी खतरनाक और बहुत बुरी आदत है जो इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम सब ने अपना रखी है, और हमें अंदाजा तक नहीं है कि किस तरह ये हैबिट एक स्लो पॉइजन की तरह हमारे हेल्थ और वेलबींग को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों एक खतरनाक हैबिट है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें हम घंटों तक एक ही चेयर पर बैठे रहते हैं, फिर चाहे इसका कारण हमारी जॉब्स हो या हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस। डॉक्टर जेम्स लेवाइन जो कि प्रोफेसर है मायो क्लिनिक एरिजोना में, इन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च किया इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल पर, और अपने रिसर्च को कंक्लूड करते हुए डॉक्टर लेवाइन एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, जिसमें डॉक्टर लेवाइन बताते हैं कि लंबे समय तक चेयर पर बैठे रहने से हमारी बॉडी को उतना ही नुकसान पहुंचता है जितना कि सिगरेट स्मोकिंग से। इसके अलावा नासा की लाइफ साइंस डिवीजन के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर जोएन वर्निकोस ने हाल ही में एक किताब लिखी जिसका टाइटल था सिटिंग किल्स एंड मूविंग हील्स, जिसमें वो सेम यही चीज बताते हैं कि चेयर पर लंबे समय तक बैठे रहना हमारे शरीर के लिए कितना घातक है। आइए दोस्तों जानते हैं आखिर ये साइंटिस्ट रिसर्चर्स इतना बड़ा क्लेम किस आधार पर कर रहे हैं। देखिए मदर नेचर ने हम ह्यूमंस की फिजियोलॉजी को परपेचुअल मोशन के लिए डिजाइन किया था, ताकि हम लगातार मूव कर सके हंटिंग गैदरिंग के लिए और अपने स्पीशीज के सर्वाइवल को मेक श्योर कर पाए। अब मॉडर्न वर्ल्ड में हमें अपने सर्वाइवल के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमारा सर्वाइवल हमारी जॉब्स या बिजनेसेस से है, जिसमें डिमांड किया जाता है कि हम एक ही जगह चेयर पर लंबे समय तक सीटेड रहें और काम करें। इवन समय के साथ चेयर के डिजाइन को भी इस तरह अपग्रेड कर और ज्यादा कम्फी बना दिया गया है, जिससे हमें कम से कम फेटीग या डिस्कम्फर्ट हो और हम घंटों तक एक ही जगह टिक कर बैठे रह सकें। लेकिन चेयर पर लंबे समय तक बैठे रहना हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही अननेचुरल होता है और हमारी बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। बॉडी में सिकनेस इंड्यूस होना शुरू हो जाती है और समय के साथ हम क्रॉनिक डिजीजेस जैसे हार्ट अटैक, कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज के शिकार बनने लगते हैं। क्या आप जानते हैं सिर्फ 30 मिनट स्टिल बैठे रहने से आपका मेटाबॉलिज्म 90% तक स्लो हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक एवरेज टीनेजर दिन में करीब 9 घंटे और एक एवरेज एडल्ट दिन में करीब 7 घंटे तक सीटेड रहते हैं। इवन दुनिया भर में जितने लोग HIV की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोगों की मौत सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण होने वाली बीमारियों से हो जाती है। आइए दोस्तों एक एक कर जानते हैं इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे ऊपर होने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों 1950s में एक स्टडी की गई UK में बस ड्राइवर्स और बस कंडक्टर्स पर, ये जानने के लिए कि आखिर बस ड्राइवर्स में 2 गुने से भी ज्यादा हार्ट अटैक केसेस क्यों पाए जाते हैं कंपैरेटिव टू बस कंडक्टर्स। और इस स्टडी में जो कारण पाया गया वो था बस ड्राइवर्स का सेडेंटरी लाइफस्टाइल। देखिए अपनी जॉब के 8 घंटे के दौरान एक बस ड्राइवर ज्यादातर टाइम बैठा ही रहता है, उसका काम होता है बस को ड्राइव करना। वही बस कंडक्टर इस पूरे समय के दौरान ना केवल खड़ा रहता है बल्कि मूव करता रहता है टिकट बांटने के लिए। आइए साइंस की भाषा में इसे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी लाइपोप्रोटीन लाइपेज नाम का एक एंजाइम बनाती है, जिसका काम होता है ब्लड में मौजूद फैट्स जैसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को मेंटेन रखना। ये इन ब्लड फैट्स को ब्लड से निकालकर मसल तक पहुंचाता है और हमारी मसल्स इस ब्लड फैट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अपनी मूवमेंट से इन्हें बर्न आउट कर देती हैं। इस तरह हमारे ब्लड में फैट लेवल्स मेंटेन रहते हैं। अब क्योंकि घंटों तक चेयर पर स्टिल बैठे रहने से मसल मूवमेंट बिल्कुल हो नहीं पाती, तो मसल्स का जो पोटेंशियल होता है ब्लड फैट को एब्जॉर्ब करने का वो घट जाता है, जिस कारण से ब्लड में फैट की मात्रा बढ़ने लग जाती है। क्या आप जानते हैं सिर्फ 2 घंटे लगातार स्टिल बैठे रहने से आपकी बॉडी का गुड कोलेस्ट्रॉल 20% तक गिर जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL की मात्रा सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है, जो कारण बनता है इन्फ्लेमेशन का हमारी आर्टरीज में, और यहीं से आर्टरीज में ब्लॉकेज की शुरुआत होती है और ये ब्लॉकेज आगे चलकर हार्ट अटैक का रूप ले लेती है। डॉक्टर जेम्स लेवाइन ने अपनी स्टडी में पाया जिन लोगों का टीवी वॉचिंग आवर्स 4 घंटे उससे ऊपर था एक पूरे दिन में, उनके 125% यानी दुगने से भी ज्यादा हार्ट अटैक या किसी और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने के चांसेस थे। सेम यही चीज प्रूव होती है डॉक्टर डेबरा रोम की रिसर्च में, जो लोग 5 घंटे उससे ज्यादा सीटेड रहते हैं ऐसे लोगों में हार्ट फेलियर का रिस्क 2 गुने से भी ज्यादा होता है बाकियों के मुकाबले। आइए अब बात करते हैं मसल एट्रोफी और वीक बोन्स की। दोस्तों स्पेस जर्नी से लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को शुरुआत में अपने पैरों तक पर खड़े होने में बहुत
परेशानी होती है। इसका कारण होता है स्पेस में कोई ग्रेविटेशनल पुल ना होना, जिसके कारण एस्ट्रोनॉट्स के मसल्स, जॉइंट्स और बोन्स पर कोई स्ट्रेन ही नहीं पड़ता, जिससे उनकी मसल्स डिटोन्ड हो जाती है, सब्सिक्वेंट मसल लॉस होता है और उनके बोन्स भी ब्रिटल यानी कमजोर हो जाती है। इंटरेस्टिंगली सेम यही मसल एट्रोफी की प्रॉब्लम आपको धरती पर रहते हुए भी झेलनी पड़ सकती है अगर आप लंबे समय तक चेयर पर बैठे रहते हैं। देखिए, हमारी मसल्स, बोन्स या जॉइंट्स उतने ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं जितना कि उन पर स्ट्रेन पड़ता है। अब नेचुरली हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी इस तरह डिजाइंड है कि खड़े रहते समय हमारे मसल्स, जॉइंट्स और बोन्स एक दूसरे को एक सिमेट्रिकल सपोर्ट देते हैं और सब पर एक सिमेट्रिकल स्ट्रेन पड़ता है। इवन हमारे स्पाइन कर्वेचर का डिजाइन भी इसी तरह है, जो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। लेकिन जब हम चेयर पर बैठते हैं, ये हमारी बॉडी की नेचुरल सिमेट्री को बिगाड़ देता है, क्योंकि चेयर पर बैठते समय हमारी बॉडी 90 डिग्री पोजीशन में आ जाती है और ऐसा करने से हमें कई नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, चेयर पर बैठने से हमारे सारे मेजर मसल ग्रुप्स पर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता और वो बिल्कुल रिलैक्स्ड और टर्न्ड ऑफ हो जाते हैं। जब इसी तरह लंबे समय तक मेजर मसल ग्रुप्स इनएक्टिव रहते हैं तो ऐसे में बॉडी अपना मसल मास लूज करने लगती है, आपकी बोन्स भी ब्रिटल यानी कमजोर हो जाती है। और दूसरा, जो आपकी अपर बॉडी का स्ट्रेन आपकी लंबर स्पाइन आर्च पर आना चाहिए था, उसकी जगह ये स्ट्रेन इशियल ट्यूबरोसिटी यानी हिप बोन पर आ जाता है, जिससे आपके हिप मोबिलिटी पर असर पड़ता है और आपको डिस्क प्रॉब्लम के होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। और आपकी सोस मसल, जो आपकी अपर और लोअर बॉडी के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, वो काफी टाइट हो जाती है, जो आगे चलकर आपकी लंबर स्पाइन यानी आपकी लोअर बैक को मिस अलाइन तक कर देती है। दोस्तों, अगर साइंस की भाषा को समझने में आपको परेशानी आई हो तो इस पूरी चीज को अगर एक शब्द में कहा जाए, जो लोग जितना ज्यादा सीटेड रहते हैं उनको कमर और हिप की प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा होती है और उनकी मसल्स और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो काफी यंग हो और उन्हें इन बातों से ज्यादा कोई फर्क ना पड़े, पर जैसे जैसे आप एज करेंगे आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली झेलने पड़ेंगे। आइए अब बात करते हैं पुअर सर्कुलेशन की। दोस्तों, हमारी बॉडी में दो तरह के सर्कुलेशन सिस्टम होते हैं, पहला होता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिस्टम। घंटों तक बैठे रहने से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन काफी स्लो पड़ जाता है, क्योंकि बैठे रहने से ज्यादातर ब्लड जाकर आपके पैर और आपकी फीट में जमा हो जाता है, जिससे न केवल आपके बाकी मेजर वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई कम होती है, आगे चलकर ये कारण बनता है वेरिकोज वेन्स का और नर्व डैमेज का। ब्लड की तरह ही हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी जब स्लो पड़ता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, बॉडी की खुद को डिटॉक्स करने की नेचुरल टेंडेंसी घट जाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ब्लड में बढ़ने लग जाते हैं। आइए अब बात करते हैं अपने लंग्स की। दोस्तों, जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो आपका डायफ्राम प्री कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में चला जाता है, जिस कारण से आपके लंग्स सही से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाते, यानी कि आप एयर को सही से इनहेल और एक्सहेल नहीं कर पाते, आपकी ब्रीदिंग स्लो होने लगती है और आपके लंग्स के अपर लोब्स इनसफिशिएंट हो जाते हैं, जिस कारण से आपकी लंग कैपेसिटी टाइम के साथ घटने लगती है। दोस्तों, हमारी बॉडी का हर एक जॉइंट एक सिनोवियल फ्लूइड बनाता है। ये सिनोवियल फ्लूइड एक ऑयल की तरह होता है जो हमारे कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देता है और जॉइंट्स की स्मूथ मूवमेंट में मदद करता है। अब इस सिनोवियल फ्लूइड को बनते रहने के लिए बॉडी को दो चीजें चाहिए, पहला हमारे जॉइंट्स का प्रॉपर मूवमेंट और दूसरा हमारे जॉइंट्स पर पड़ने वाला कंप्रेशन। और लंबे समय तक सीटेड रहने से हमारे बॉडी के जॉइंट्स अपने फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं जाते हैं और उन पर सही मात्रा में कंप्रेशन यानी दबाव नहीं पड़ता है, तो बॉडी को लगता है शायद आपके कार्टिलेज को इस सिनोवियल फ्लूइड की जरूरत ही नहीं है, जिससे इसका डीजनरेशन शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी में सिनोवियल फ्लूइड की मात्रा कम होने लगती है। यही कारण है कि योग विद्या मॉडर्न साइंस से कई हजार गुना ज्यादा बेटर रिजल्ट देती है आपको, क्योंकि हर एक योगिक आसन आपके जॉइंट्स और कार्टिलेज के फुल रेंज ऑफ मोशन और कंप्रेशन को एनकरेज करता है, जो कि हमारी मॉडर्न एक्सरसाइजेस लैक करती हैं। आइए बात करते हैं कैंसर पर। दोस्तों, हमारे ब्लड में एक इन्फ्लेमेशन बायोमार्कर होता है जिसे कहते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। जब कभी आपको ज्यादा इन्फेक्शन या किसी चीज से एलर्जी हो जाती है तो उस टाइम डॉक्टर्स आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट या सीआरपी टेस्ट जरूर कराते हैं, ताकि आपकी बॉडी में हो रहे इन्फ्लेमेशन का पता लग सके। सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल्स का आपके ब्लड में ज्यादा होने का मतलब है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है, और लंबे समय तक सीटेड रहने से आपकी बॉडी में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मात्रा काफी बढ़ जाती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन का स्तर बढ़ जाता है। यही कारण है कि सिटिंग या इनएक्टिविटी को बहुत से कैंसर से लिंक कर देखा जा रहा है। क्या आपको पता है, लगातार सिर्फ 2 घंटे बैठे रहने से आपकी कोलन कैंसर होने के चांसेस 8% से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आइए अब एंड में बात करते हैं डायबिटीज की। दोस्तों, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग से हमारी बॉडी की शुगर या ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने की क्षमता घटने लगती है। साइंस की भाषा में इसे बोला जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हमारे ब्लड में जितना भी हमारी जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज या शुगर होता है उसे हमारी मसल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और स्टोर करती हैं अपने पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जिसे वो अपने फ्यूल के तौर पर यूज करती हैं और अपनी मूवमेंट से बर्न आउट कर देती हैं। लेकिन
लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो आपकी मसल मूवमेंट्स ऑलमोस्ट निल हो जाती हैं। तो ऐसे में हमारी मसल्स को अपने पास ज्यादा फ्यूल जमा करने की जरूरत नहीं होती, जिससे आपके ब्लड में शुगर लेवल्स का स्तर बढ़ने लगता है। यही चीज आपकी बॉडी में प्रोग्रेसिवली इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा करती है और लंबे समय तक ऐसा होने से टाइप 2 डायबिटीज के शिकार बन जाते हैं। आइए अब कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर लोगों में स्पेशली यंगस्टर्स में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, अगर उनके पूरे दिन में 9 से 10 घंटे सिटिंग आवर्स है भी, तो वो 1 या 1.5 घंटे जिम कर अपने बॉडी को हुए नुकसान को कोप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर केटी बूमन जो कि एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक कमाल की किताब लिखी है जिसका नाम है मूव योर डीएनए रीस्टोर योर हेल्थ थ्रू नेचुरल मूवमेंट। इस किताब में डॉक्टर बूमन बताती है 10 घंटों के स्टिल टाइम को आप 1 घंटे की एक्सरसाइज से कोप नहीं कर सकते। इसको कोप करने के लिए हमें अपनी बॉडी में नीड को एनहांस करना होगा। दोस्तों नीड का मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसके अंडर वो सारी फिजिकल एक्टिविटीज आती हैं जो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट होती हैं, और ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज हमारी प्लान्ड एक्सरसाइज रिजीम्स जिम या स्पोर्ट्स से बिल्कुल अलग होती हैं। एग्जांपल के तौर पर फार्मा का नीड काफी ज्यादा होगा एक आईटी ऑफिस गोइंग एम्प्लॉय से, क्योंकि हो सकता है कि एक टिपिकल आईटी ऑफिस एम्प्लॉय अपनी जॉब आवर्स के बाद 1 से 1.5 घंटा जिम में बिताता हो, लेकिन फार्मर अपने पूरे दिन के दौरान कई घंटे छोटे छोटे प्रोपोर्शंस में इतनी सारी एक्टिविटी कर लेता है कि उसका नीड हमेशा एक सिटिंग डेस्क जॉब एम्प्लॉय से काफी ज्यादा होगा। दोस्तों अपने नीड को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपनी लाइफ चॉइसेस में कुछ बदलाव करने होंगे। जैसे अगर आप एलिवेटर लेते हैं तो आपको उसकी जगह स्टेयर्स को यूज करना होगा। आप पब्लिक कम्यूट का इस्तेमाल करें तो आप खड़े रहकर ट्रैवल करें। आप अपने वर्क स्टेशन पर एक अलार्म लगाइए ताकि हर आधे घंटे 45 मिनट में आप खड़े होकर 1 से 2 मिनट का स्ट्रॉल ले सकें, क्योंकि 30 मिनट के सिटिंग के वर्स इफेक्ट को आप सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग ब्रेक से कोप कर सकते हैं। आइए अब कुछ और रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि इस मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपसाइड डाउन चेंज नहीं किया जा सकता। हमें इसी में कुछ मेजर माइनर एडजस्टमेंट्स कर खुद को एक सेफगार्ड देना होगा। इसी प्रॉब्लम को कोप करने के लिए एक कमाल का सोल्यूशन हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया था जो आज हम बिल्कुल भुला चुके हैं, और वो था डीप स्क्वाटिंग या रेस्टिंग स्क्वाट, जिसे योग विद्या में मलासन भी कहा जाता है। पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में स्क्वाटिंग ह्यूमंस की नेचुरल रेस्टिंग पोजीशन थी। इसमें आपके हिप्स एंकल्स नीज कोर सब इंक्लूड हो जाते हैं। आपकी मसल एक्टिविटी करीब 8 गुना तक बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर जब हमारे पास इतनी कमाल की रेमेडी है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दोस्तों इसका कारण है हमारी खुद की अपने कल्चर के प्रति अपोलोजेटिक मानसिकता, जिसकी वजह से हमने रेस्टिंग स्क्वाट को बहुत ही अनडिग्निफाइड और अनकंफर्टेबल पोजीशन मान लिया है। लेकिन है इसके बिल्कुल ऑपोजिट। 2020 में एक स्टडी पब्लिश की गई प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल एकेडमी ऑफ साइंस में, जिसमें पता लगता है कि हमारे एंसेस्टर्स भी दिन में करीब 9 घंटे या उससे ज्यादा सेडेंटरी लाइफ जीते थे। अब सवाल ये बनता है, अगर वो भी 9 घंटे या उससे ज्यादा सेडेंटरी रहते थे तो हमारे एंसेस्टर्स को भी क्रॉनिक डिजीजेस का सामना क्यों नहीं करना पड़ा? तो दोस्तों इसका जवाब मिलता है एक बेसिक से डिफरेंस में। हमारे एंसेस्टर्स अपने रेस्टिंग टाइम को किसी चेयर या सोफे पर स्लाउच कर नहीं बिताते थे, बल्कि इस पूरे टाइम के दौरान वो रेस्टिंग स्क्वाट या मलासन में बैठते थे। सिर्फ इस एक चीज ने इतना बड़ा डिफरेंस हमारी हेल्थ में डिटरमाइन किया है। इस बात को रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट ने अफ्रीका के तंजानिया में एक हंटर गैदरर ग्रुप हाजदा पर स्टडी की। ये हाजदा ग्रुप आज भी हमारे एंसेस्टर्स की तरह जंगल में रहता है, प्रिमिटिव लाइफस्टाइल जीता है, और कमाल की बात यह है कि इस ट्राइब में किसी भी तरह की कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ही रेयर पाई जाती है। इस ट्राइब के मेंबर्स का अपने ओल्ड एज तक कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल एकदम बढ़िया रहता है, कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस नहीं, कोई टाइप 2 डायबिटीज नहीं। तो आखिर ये लोग इतने हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर रहे हैं? इनकी लाइफस्टाइल को जब स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट को एक कमाल की बात पता लगती है कि ये हाजदा ट्राइब के लोग हमारे प्रिमिटिव एंसेस्टर्स की तरह ही अपने रेस्टिंग टाइम में डीप स्क्वाट पोजीशन यानी कि मलासन पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसी तरह आप लोगों को भी स्क्वाटिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। आई नो आप डीप स्क्वाट अपने ऑफिस में अपने जॉब आवर्स में नहीं कर सकते हैं। जब आप अपने घर में होते हैं अपने लेजर टाइम के दौरान टीवी देखते हुए फोन सर्व करते हुए अपने चेयर या सोफा को डिच करिए और डीप स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठिए। अपने घर में फिर से ड्रॉप टॉयलेट्स का यूज करिए ताकि आप टॉयलेट करते समय डीप स्क्वाट कर पाएं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी वीडियो के एंड पर। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में मिली जानकारी को एक अभियान बनाइए और बदलाव लाइए अपनी खुद की और अपने चाहने वालों की जिंदगी में। इन कुछ बेसिक डिफरेंस अपनी लाइफ में लाने से आप ना केवल अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा लेंगे, बल्कि आप खुद की हेल्थ में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देख पाएंगे समय के साथ। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम है लोकेश मावी और आप देख रहे थे स्ट्रीट स्मार्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारी स्ट्रीट स्मार्ट की टीम आपके लिए ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आती है, जिससे ना केवल आप कुछ नया सीखते हैं बल्कि पहले से ज्यादा अवेयर होते हैं और यहां से मिली इन्फॉर्मेशन को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो
जाने से पहले प्लीज इस लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि अगली बार जब हम आपके लिए कुछ इसी तरह की काम की वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। प्लीज मेक श्योर टू लीव अ कमेंट एंड लीव अ थम्स अप। धन्यवाद। भारत माता की जय।